तपती धरती, झुलसती रेत, भट्टी जैसी गर्मी और सूखता गला, इस सब से बेखबर आगे बढ़ते रहते हैं हजारों कदम। इस भीड़ में बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द सब शामिल हैं। यह श्रद्धालु तीर्थयात्री देश के अलग अलग भागों से यहां पहुंचे हैं। कुछ अपने मन में कोई मुराद लेकर मन्नत मांगने आए हैं, तो कुछ मनचाही बात पूरी हो जाने पर अपने आराध्य देव को धन्यवाद देने, उनके चरणों में शीश नवाने आए हैं। आलनपुर सवाई माधोपुर से मनु भगत जी के नेतृत्व में श्री रामदेव जी महाराज की पैदल यात्रा में चल रहे हैं। आज 17वां दिन है हमारे को। आज हम बाबा के दर्शन कर लेंगे। कितने किलोमीटर है यहाँ से? 700 किलोमीटर है। और रास्ते में ठीक रहा आपको? हाँ, रास्ते में कुछ तकलीफें आई है चलने में, पर ठीक ठाक पहुँच रहे हैं। अब हम बिल्कुल ठीक हैं। ये बताइए, आप पैदल क्यों आते हैं, गाड़ी में क्यों नहीं आ जाते? ये आस्था होती है भगवान के प्रति, इसलिए हम पैदल आ जाते हैं। अभी आपके पाँव की हालत बड़ी खराब है, तो आप चले जा रहे हैं? बाबा की मर्जी है, बाबा ने बुलाया तो जा रहे हैं। वो तो पाँव के चलो तो ही देखना, कोई चले देखेंगे तो फिर बाबा द्वार के जाएंगे। कोई खास मन्नत है आपकी? बाबा के द्वार मालूम पड़ेगी मेहनत क्या है। 1 तारीख को आज से रवाना हुआ था 12:30 बजे पाली से। आज से 280 किलोमीटर होता है, रामदेव जा रहा हूँ। बोलो राम सर, पीरो कीजिए। ये पाँव में क्या संपल लग गया, उसके बाद फाले हो गए संपलों से, पैदल चले जो उस हिसाब से। कभी जाना है वहाँ पे? बाबा के यहाँ दर्शन करके जाएंगे, कैसे भी हो। बाबा की आस्था, मेरे आस्था नहीं थी घराने पे, मेरे घमटी पे उधर आया, मेरी आस्था होगी मैं साइकिल लेके मिल जाना था। फिर मेरी आस्था होगी जो भाई चलो बाबा जी, फिर हिम्मत होगी जो सबसे आगे चल रहा हूँ बाबा के जे बोलने से। अखड़ बेफिक्री का ऐसा आलम शायद ही कहीं और देखने को मिले। जोगी, जंगम, फकीर, कलंदर और घर गृहस्थी वाले इस यात्रा के दौरान पड़ाव में एक दूसरे के पड़ोसी बनते हैं, सांझे चूल्हे का पका खाना खाते हैं। जो साधन संपन्न हैं, वह उनकी व्यवस्था करना अपना कर्तव्य ही नहीं परम धर्म समझते हैं, जिन्होंने बाबा के भरोसे इस राह पर कदम आगे रखे हैं। कई ऐसे परोपकारी हैं जो अपनी साल भर की कमाई इस यात्रा के दौरान भंडारों और अन्नकूटों में न्योछावर कर देते हैं। बाबा के हुक्म से कर रहे हैं, ये प्रेरणा हमको हमारे घर वाले की तरफ से मिली। तीन साल पहले आए थे, सब उन लोगों ने देखा तो उसकी भी इच्छा हुई कि हम भी करें। तो हर साल थोड़ा 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 सा जमा करते थे और कई साल हम यहीं पे लगाया था टेंट, और फिर दही कर लिया। बाबा जब तक देता रहेगा, हम जिंदा रहेंगे तब तक ये करते रहेंगे। बच्चों को भी यही बताया, हम रहे नहीं रहे आगे चाय पिला के चला जाना यहाँ के बस। तो आप तो बड़े खुशकिस्मत होंगे कि इतनी सेवा का मौका मिला आपके साथ, तो परिवार के साथ। हाँ, बहुत खुश। बहुत खुशी है मेरे को। रामदेवरा हमारा कुलदेव है, यहाँ पे हम हर साल आते हैं। लेकिन पिछली साल जब उसके पिछली साल आए थे ना, तब मम्मी ने सोचा था कि अब मैं यहाँ से सबको खाना खिलाऊंगी, तब से हम यहाँ पे आ रहे हैं। कितने यात्री खाना खा जाते हैं? हाँ, खाना लगभग रोज के 7-8 हजार इंसान खाते हैं। 2-2 हजार चाय पानी पी जाए, चाय पानी नाश्ता सुबह में रखते हैं, सब खाते। हमारे को बहुत आनंद आता है, खिलाते हैं ना तो बहुत आनंद। जय बाबा जी, बोलो राम जी की जय।
चलते चलते पैरों पर छाले पड़ जाते हैं और फिर गहरे घाव। आस्थावान इस दर्द से लापरवाह रहते हैं। उनके सहयात्री इस बात को लेकर ज्यादा फिक्रमंद नजर आते हैं कि कहीं इनकी यात्रा अधूरी न छूट जाए। जगह जगह मरहम पट्टी का इंतजाम है। यह तीर्थ यात्री बमुश्किल प्राथमिक उपचार के लिए पल दो पल विश्राम करते हैं और फिर बेसब्री से चल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। हम 300 किलोमीटर की यात्रा करके आ रहे हैं और सभी जातियों के लोगों के साथ में हम हाथ मिला के चल रहे हैं। हमारे साथ में एक 10 साल का बच्चा है, ये मेरा बेटा है। 9 महीने का था ना तब इसके बांगड़ मेमोरियल में ऑपरेशन हुआ था, उस टाइम में बिल्कुल अंधा हो गया। हमने बाबा से जन्नत मांगी और इसकी आंखें दी है, 50% रोशनी इसकी हो गई है। अब हम बाबा से मांगते हैं कि इसकी रोशनी और हो जाएगी और ये खुद अपने मन से चल कर आया कि बाबा से आंखें लूंगा मैं। और हमारी सभी की कामना यही है ज़्यादातर कि हमारे राजस्थान में सुख शांति बनाए रखें और हमारे हिंदुस्तान में भी सुख शांति बनाए रखें। हमारी मेन में यही कामना है बाबा से कि भाई सुख शांति रखें। यात्रा बहुत अच्छी है और बोल रहे बाबा रामदेव जी का पर्चा है तो उसके लिए जाना तो बहुत अच्छा ही लगता ना, इसलिए और मन में अगर इच्छा है तो कोई चलने में परेशानी नहीं है। मैं सारी मुश्किल का सब कष्ट मिट जाएगा। कोई मन्नत भी मांग? हाँ मन्नत मांगी है, जो अभी मन्नत पूरी होगी तब मालूम पड़ेगा ना। पहले किसी को नहीं कहना गया। लो बतानी नहीं मन्नत किसी को नहीं बता, बाबा रामदेव जी को बताएंगे। सगलांगे यार सहाय करने वाला बाबू है रामा पीर, पीरानाई पीर बाबू, रामा शाह पीर बाबू है, सुगणा का बीरा है, लसारा भाई है और अच्छा आदमी है। कौन से गांव से आए हैं आप? मैं माड़पुर हूँ। माड़पुर से? अच्छा ये बताइए आपकी टोली में कौन कौन सी जाति के लोग हैं? जात में लिम्बा कुंभार प्रजापति। छोटी बड़ी जात सब? हाथ है कारीगर राजपूत ब्राह्मण चार जात। छोटी जाति लोगों के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है बाबे, हर जात कोई जात रास्ते में चलता रहे रास्ते को नहीं बड़ो। हमारा पूरा परिवार इकट्ठा होके पैदल यात्री में जाते हैं बाबा रामदेव का गांव विक्रमकोर से। कितने भाई बहन हैं? हम 6 भाई हैं, 1 बहन है। सब इकट्ठे जाते हैं? हाँ सब इकट्ठे जाते हैं और हम 2 दिन रुकेंगे वहाँ, 2 दिन रुक के बाबे का दर्शन करके वापिस चले जाएंगे। हम काल बेलिया हैं और बाबा दर्शन के लिए जाते हैं और हम मतलब बाबे के शौक से जाते हैं, बस कोई मांगने खाने के लिए नहीं जाते हैं। हम जहाँ बाबे गाँव सरपंच बिना मान को जमार बार बार थोड़ी दे, एक बार दे। सरपंच बन जाओगे तो घूंघट का क्या करोगे? तो सरपंच घूंटो बाहर निकल जाओ मीटिंग घूंट यहाँ कर ले। इस बात को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि पैदल चलने की हट कोरा अंधविश्वास नहीं। जो सफर मोटर गाड़ी से कुछ घंटों में निपटाया जा सकता है उसे पैदल नापने में कई दिन लगते हैं। इस दौरान सभी तीर्थयात्री देश के विभिन्न हिस्सों और समाज के अलग अलग तबकों से आए हुए सांझे की जिंदगी बिताते हैं, अपने सुख दुख के अनुभवों को, आशंकाओं और आशाओं को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। कहते हैं मेल बांटने से दुख घटता है और सुख कई गुना बढ़ जाता है।
बाबा रामदेव का मंदिर, जो राजस्थान की मरुभूमि के मर्मस्थल में पोखरण की तरफ जोधपुर से कई कोस दूर है। वैसे इस तीर्थ स्थल को मंदिर कहना थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि हिंदुओं के बाबा रामदेव, जो कृष्ण का अवतार समझे जाते हैं, मुसलमानों के लिए रामा पीर हैं। बहुत बड़ा चमत्कार यही है कि मैं 10 साल का था और मेरी आंखें चली गई थी दिवाली में फटाका फूटने से, और कोई उम्मीद नहीं थी। तब बाबा ने, पिताजी ने, मेरे पिताजी ने मन्नत की, बाबा से मानता की कि भाई मेरे बच्चे को अच्छा कर दो, और एक ही घंटे में जो चमत्कार हुआ है वो इस बाबा की कृपा है। और इसके सिवा मैं और क्या कहूँ कि भाई इस दरबार में आज कोई भी आए और दर्शन करे, मेरा तो इतना ही कहना है कि कोई भी आए, हर एक ही आत्मा ये बाबा अपनी मान्यता पूरी करता है। से मिलने के लिए आए थे मक्का मदीना से, इसलिए इसको हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं और जैन ईसाई सिख सब मानते हैं। यहाँ किसी प्रकार की छुआछूत नहीं है, सब जाति संप्रदाय के लोग आते हैं और जम्मू कश्मीर से लगाकर लोग पैदल आते हैं और पैरों में छाले पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, फिर भी वो उसकी परवाह किए बगैर पट्टियाँ बांध बांध के हजारों कोसों से आते हैं। हम तो उसके देखते हमारे आँखों में आंसू आ जाता है। कोई छुआछूत नहीं, हिंदू मुसलमान सब लोग आते हैं, कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। कोई भी प्रसादी चढ़ाओ, कोई अंदर जाओ, कोई बैठो, प्रसादी में कोई चीज लाओ, ऐसा कोई नहीं, कोई मनाही नहीं है। मेरा नाम बाबू सिंह तंवर है, मैं श्री बाबा रामदेव वंशज हूँ और यहीं रहते हैं हम। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है और इस मेले में जाति धर्म भेदभाव कुछ नहीं। आज के समय में जहाँ पर हिंदू धर्म की बात हो रही है, यहाँ पर बाबा रामदेव जी ने आज से 600 साल पहले इस धर्म को मिटा दिया था। अछूतों के विशेष प्रिय बाबा है और ये गरीब तबके का सबसे बड़ा मेला है। पश्चिमी राजस्थान जो कि सबसे बड़ी गरीब एरिया है, पिछड़ा एरिया है, जिसमें बाबा ने अवतार लिया और यहाँ के गरीब जनता को उसके उबार देने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए विशेष प्रयत्न किए। आज से कोई 625 साल पहले
यह संदेश दिया था रामदेव ने, समानता का। पुकार थी सामाजिक न्याय की लड़ाई की। दक्यानु समाज में सामंती सोच वाली उस दुनिया में यह लड़ाई आसान नहीं थी। एक दलित महिला को बहन बनाना साहस का काम था। यह करुणा का ही कमाल है जिसने हाड़ मांस के एक इंसान को भगवान का पूजनीय अवतार बना दिया है। हमारे रामदेव जी महाराज ने आज से 620 साल पहले छुआछूत मिटाने के लिए उस टाइम ये प्रथा चला दी थी कि अगर मेरा कोई जुम्मा जाकर लगाएगा वो एक रिखिया मेघवाल जाति का दलित समाज का ही होगा। जब तक दलित समाज का खाना नहीं खाएगा जब वो जुम्मा जाकर पूर्ण नहीं समझा जाएगा। दलित समाज में आज ये प्रथा है, जहाँ कहीं भी दलित समाज के 5 घर हैं तो वहाँ रामदेव जी के मंदिर मिलेगा आपको। जितना भी रामदेव जी का आज प्रचार हुआ है दलित समाज ने किया है और इस मेले को दलितों का ही मेला कहा जाता है। ये समाधि है डाली बाई की और डाली बाई है जो हरिजन थी, हरिजन की लड़की थी लेकिन रामदेव जी के साथ में रहती है। रामदेव जी इनका बहुत आदर करते थे लेकिन शक्ति में भी रामदेव जी डाली बाई ज्यादा थी। इसका ये प्रमाण है कि डाली बाई की समाधि है वो पहले रामदेव जी ने खुदवाई थी अपने लिए, लेकिन वो समाधि डाली बाई ने रामदेव जी को मना करके ये कहा कि समाधि आपकी नहीं हमारी है। तो वो समाधि रामदेव जी का भी तुम्हारा क्या निशान है, तो जब उन्होंने बताया कि जो औरतों का निशान होता है वो इसमें निकले तो मेरी है नहीं तो आपकी है। फिर रामदेव जी ने वो निकाला तो डाली बाई का समान निकला तो रामदेव जी को डाली बाई की समाधि छोड़नी पड़ी और ये समाधि डाली बाई ने ली। और इसके पुजारी जो हैं जो सब हरिजन हैं, मेघवाल जाति के हैं और डाली बाई के वंशज है और सायर जी के वंशज है। और हमारे ऊपर जैसे पहले होता था इसी समय भी दबाव और भी अभी भी हमारे ऊपर, लेकिन हम तो जैसे तैसे चला रहे हैं लेकिन अगर पूर्ण आज़ादी अभी तक नहीं है। क्यों कि कोई भी बात होती है तो हमको इनके आधार में अधीन रहना पड़ता है। अनेक दूसरे मेलों की तुलना में अगर बाबा रामदेव का मेला अपनी देहाती पारंपरिक पहचान बनाए रख सका है तो इसका एक बड़ा कारण भक्तों की अटूट आस्था है। मनोरंजन का पुट भजनों तक ही सीमित है। हरिजनों और विशेष रूप से जो ग्रामीण इलाके हैं या आम जन है उन सभी के लिए रामदेव जी ने बहुत लोक कल्याणकारी कार्य किए। उनकी तपस्या की, श्रद्धा की, जन जन में आस्था जगाई, जागृति लाई, शिक्षा फैलाई, हर तरीके से इन्होंने लोगों को विकसित करने, उन्नत बनाने उसके लिए बहुत बढ़िया अच्छा कार्य किया। कोई विशेष धर्म से इनका लिंक नहीं है, हर धर्म वाले लोग दूर दूर से पूजने के लिए आते हैं। जाती लागेरी लगनारे राम से टूटनी आरो, जाती लागेरी लगनारे राम से टूटनी आरो, ए टूटना यारो रे भगत से रे छूटना यारो, जाती लागेरी लगनारे राम से टूटनी आरो। जनकी लागरी लगनारे राम से टूटनी आरो, ए लगन लागी तेरे भगत फैलाद में गिरवर से ढारो, भाई मारा गिरवर से ढारो, कब लगन लागी रे भगत फैलाद में गिरवर से ढारो, भाई मारा गिरवर से ढारो, कव साचा भगत के ही कारण ये तो नरसंहार रूप धारो रे जारी। रेगिस्तान में इंसान पानी की एक एक बूंद को मोती मानता है। यहाँ एक विशाल सरोवर के तट पर पहुंचना, एकांत में कुछ क्षण बिताना अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभूति है। एक ऐसा एहसास जिसे जिंदगी भर संजो कर रखा जा सकता है।
तब लगन लगी थी हरचंद राजा अवधपुरी वालो राजा था वो लगन लगी रे हरचंद राजा ने अवधपुरी वालो भाई मारा अवधपुरी वालो काकल बलिया अरे डोला अरे बलिया।